बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, आज आपको मैं केमिस्ट्री की वो बेसिक चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री के डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री को समझने से पहले हमें एक चीज़ लाजमी समझना है, हमें फिर ये देखना है कि हमारे पास यूनिवर्स में दो चीज़ें हैं, एक को हम कहते हैं मैटर और दूसरे को हम कहते हैं एनर्जी। कायनात में जितनी भी चीजें हैं वो बेसिक इन दो चीजों से बने हुए हैं, एक को मैटर कहते हैं एक को हम क्या कहते हैं एनर्जी। मैटर क्या है, हर वो चीज जो वजन रखता हो और जमीन को घेर लेता हो उसे हम क्या कहते हैं मैटर कहते हैं, और एनर्जी क्या है एबिलिटी टू डू वर्क उसको हम क्या कहते हैं एनर्जी कहते हैं। तो केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ मैटर को स्टडी करते हैं और फिर इसी मैटर की हम स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं और इसका कंपोजिशन के मैटर किन चीजों से बना हुआ है और एंड में हम इसकी प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, तब जाके केमिस्ट्री की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। प्रॉपर्टीज के दो किस्म के हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी किसी भी एटम की या एलिमेंट की या मॉलिक्यूल या कंपाउंड की हम फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे या उसके फिर केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी में हम क्या पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं कि केमिकली हम चीजों को किस तरह मिक्सअप करते हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टी में हम क्या पढ़ते हैं कलर हो गया किसी कंपाउंड का या उसकी डेंसिटी होगी या बॉइलिंग पॉइंट किसी कंपाउंड की या इसकी मेल्टिंग पॉइंट या फिर इसकी फ्रीजिंग पॉइंट को हम स्टडी करते हैं। उसके बाद आते हैं कंपोजिशन, मिसाल के तौर पर वाटर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हमने देखना है कि ये वाटर किस चीज से बना हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज से बना हुआ है। यहाँ पे हमारे पास जो वाटर है ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेता है वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं कंपोजिशन। इसी तरह अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है, इस चीज को हम क्या कहते हैं कंपोजिशन कहते हैं। और दूसरी बात पहले वाली बात हमने की थी स्ट्रक्चर, यानी किसी भी एटम या मॉलिक्यूल की हम स्ट्रक्चर किस तरह स्टडी करेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास वाटर है, वाटर का क्या स्ट्रक्चर है, ये वाटर का स्ट्रक्चर है जिसे हम बैंड स्ट्रक्चर कहते हैं। इसी तरह अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो इसको हम कहेंगे इसका लीनियर स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर है लीनियर स्ट्रक्चर, इसका कौन सा है इसको बैंड स्ट्रक्चर कहते हैं, बाद अगर इसको वी शेप कहते हैं। अब डिफरेंट स्ट्रक्चर हमारे पास बनते हैं इसके डिफरेंट रीजन होते हैं कि वाटर का स्ट्रक्चर क्यों लीनियर नहीं है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बैंड क्यों नहीं है, ये सारी वो बेसिक चीजें हैं जो हमने समझना है। इनको समझ के आगे हमारे लिए केमिस्ट्री आसान होगी।